हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में। तो हम आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो हम आज की इस वीडियो में बाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन की कुछ आईएमपी एमसीक्यू क्वेश्चन जिनके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन की दर किस पौधे में अधिक होती है? सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन की दर किस पौधे में होती है? कैम पौधों में, C3 पौधों में, C3 या C4 पौधों में, या फिर C4 पौधों में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि कौन सी, यानी कि C4 प्लांट या C4-3 या फिर कैम प्लांट, कौन से पौधे हैं जिनमें बाष्पोत्सर्जन की दर सबसे अधिक होती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा D, यानी कि जो C4 के पौधे, C4 प्लांट के अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उनमें सर्वाधिक बाष्पोत्सर्जन की दर होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थलीय पादपों में द्वार कोशिकाएं अन्य बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से भिन्न होती हैं। क्यों भिन्न होती हैं? केंद्रक होने के कारण, हरित लवक के कारण, माइटोकॉन्ड्रिया के कारण, या फिर ER के कारण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा B। स्थलीय पादपों में द्वार कोशिकाएं अन्य बाह्य त्वचीय कोशिकाओं से भिन्न इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें हरित लवक पाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च से कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? स्टोमेटा के बंद होने के लिए, स्टोमेटा के खुलने के लिए, स्टोमेटल प्रारंभन के लिए, या स्टोमेटल वृद्धि के लिए। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा B, स्टोमेटा के खुलने के लिए स्टार्च से कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन आवश्यक है। जब स्टार्च से कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन होगा तभी स्टोमेटा खुलेंगे। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा B। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ कोशिकाओं के खुलने या बंद होने की क्रिया सबसे पुष्ट स्पष्टीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा सिद्धांत इस पर सबसे आधारित है? गांठ कोशिकाओं में पोटेशियम का प्रवेश और निर्गम, गांठ कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, स्टार्च शर्करा का रूपांतरण, बाष्पोत्सर्जन पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। गांठ कोशिकाओं में पोटेशियम का प्रवेश और निर्गम, गांठ कोशिकाओं के खुलने या बंद होने की क्रिया का सबसे स्पष्टीकरण सिद्धांत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थलीय आवास में निम्नलिखित में कौन सा कारक तापमान तथा वर्षा की दशाओं को प्रभावित करता है? कौन सा कारण है जो एक स्थलीय आवास में तापमान और वर्षा को प्रभावित करता है? स्थानांतरण, वाष्पोत्सर्जन, रूपांतरण, थर्मोडिनेचुरेशन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा B, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन है वह एक स्थलीय आवास है और वह तापमान और वर्षा की दिशाओं को प्रभावित करता है। यानी कि तापमान जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, तो उससे तापमान घटेगा और वर्षा की दिशाओं को भी वाष्पोत्सर्जन ही प्रभावित करता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक जल हानि होती है किसमें होती है? पृष्ठधारी पत्ती की निचली सतह पर, पृष्ठधारी पत्ती की ऊपरी सतह पर, या दोनों सतह से बराबर, या कोई जल हानि नहीं होती। तो हमारा डी तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें पूछा अधिक जल हानि होती है, इसमें सीता बोल दिया कोई जल हानि नहीं होती। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा पत्ती की निचली सतह, यानी कि जो पत्ती की निचली सतह पर जो वातरंध होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा अधिक हानि होती है, या फिर बी पत्ती की ऊपरी सतह पर, जो ऊपरी सतह पर वातरंध होते हैं यानी कि जो जंधावकाश होते हैं उनसे सबसे ज़्यादा जल की हानि होती है, या फिर सी यानी कि दोनों सतहों से।
तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, यानी कि जो पत्ती की पृष्ठधारी पत्ती की निचली सतह पर जो रंध्र अवकाश जो पाए जाते हैं, स्टोमेटा जो पाए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा सबसे अधिक जल की हानि होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन तथा बाष्पीकरण दोनों में जल की हानि बाष्प के रूप में होती है, फिर भी ये भिन्न है, क्यों ऐसा? तो बाष्पोत्सर्जन और बाष्पीकरण दोनों में जल की हानि होती है, तो भिन्न क्यों है, इसका कारण क्या है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। बाष्पोत्सर्जन तथा बाष्पीकरण दोनों ही समान होते हैं, किंतु जल की हानि दर भिन्न होती है। ये तो हमारा हो नहीं सकता ऑप्शन, जल की हानि दर भिन्न होती है, लेकिन ये कारण नहीं है कि बाष्पोत्सर्जन दोनों अलग अलग हैं, यह उसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट ऑप्शन है, इन दोनों में जल की जल हानि की फ्रिक्वेंसी भिन्न है। ये तो वही है जो ऊपर, दर भिन्न होती है, फ्रिक्वेंसी भिन्न है, ये भी नहीं हो सकता। सी, बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक क्रिया है तथा बाष्पीकरण एक कार्य की घटना है। तो ये तो इस उल्टा दे दिया है, जो बाष्पोत्सर्जन है वह एक कार्य की घटना है, यानी कि पौधों द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है तो वह कार्य की घटना हुई, और जो बाष्पीकरण होता है यह भौतिक क्रिया है, इसको किसी की जरूरत नहीं होती, यानी कि तापमान जैसे ही सूर्य का प्रकाश निकलता तो ऑटोमेटिक बाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, एक भौतिक क्रिया जो देखी जा सकती है। यह बाष्पोत्सर्जन हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, बाष्पोत्सर्जन एक कार्य की घटना है, हाँ, तथा बाष्पीकरण एक भौतिक क्रिया है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि जो उनकी बाष्पोत्सर्जन है एक कार्य की घटना है तथा बाष्पीकरण एक भौतिक की घटना है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन दर सीधे निर्भर करता है, किस पर करता है निर्भर? ताप पर, नेगेटिव टारगेट दाब पर, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंसी पर, या वेफ पर प्रेशर ग्रेडियंट पर? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, जो बाष्पोत्सर्जन की दर है वो सीधे सीधे निर्भर करती है वेपर प्रेशर ग्रेडियंट पर, वेपर प्रेशर ग्रेडियंट होता है ना, उस पर बाष्पोत्सर्जन की दर सीधे निर्भर करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोमेटा चौड़ाई में खुलने के लिए निम्न में से कौन सा संभावित कारण है? चौड़ाई में खुलते हैं स्टोमेटा, तो उनका क्या कारण है कि चौड़ाई में खुलते हैं? ऑप्शन हमारा फर्स्ट है, स्टोमेटा के बाहर के वातावरण में कम आर्द्रता, बी पड़ोस की गाढ़ कोशिकाओं से लवणीय अणुओं का स्रावण, सी जल के अणुओं का गाढ़ कोशिकाओं में प्रवेश, या फिर डी रात्रि में ताप का कम होना। तो हमारा डी तो हो नहीं सकता, रात्रि में ताप कम होने के कारण स्टोमेटा चौड़ाई में नहीं खुलते हैं, और हमारा ए भी नहीं होगा, स्टोमेटा के बाहर के, यानी कि हमारा डी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता, बी गाढ़ कोशिकाओं को लवणीय अणुओं का स्रावण, ए भी नहीं हो सकता। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, यानी कि जल के अणुओं का गाढ़ कोशिकाओं में प्रवेश, जल के अणु जब गाढ़ कोशिकाओं में प्रवेश कर जाते हैं तो स्टोमेटा चौड़ाई में खुल देते हैं, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घायल पत्ती के सिरे से द्रव से बाहर आने की क्रिया कहलाती है, यानी कि जो घायल पत्ती है उसके सिरे से द्रव रूपी पदार्थ निकलता है, यह क्रिया क्या कहलाती है? बाष्पीकरण, बाष्पोत्सर्जन, बिंदु स्रावण, या बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि घायल पत्ती के सिरे से जो द्रव बाहर निकलते हैं उस क्रिया को हम बिंदु स्राव
कहती है, यानी कि बिंदु स्त्राव के द्वारा घायल पत्तियों के शरीर से द्रव बाहर निकलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, यानी कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन पर बाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ऑप्शन हमारा फर्स्ट है आर्द्रता बढ़ने पर, यानी कि आर्द्रता बढ़ने पर बाष्पोत्सर्जन की दर कभी बढ़ती नहीं है, आर्द्रता बढ़ जाएगी तो बाष्पोत्सर्जन की दर सीधी सीधी कम हो जाएगी, तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो नहीं सकता। सेकंड क्या है, वायुमंडल दाब बढ़ने पर, तो वायुमंडल दाब बढ़ता है जब एक नियत से ज़्यादा वायुमंडल दाब हो जाता है तो फिर एस्ट्रोमेटा बंद हो जाते हैं और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी बंद हो जाती है, तो इसका हमारा बी आंसर भी नहीं होगा, वायुमंडल दाब बढ़ने पर ये भी नहीं होगा। हमारा नेक्स्ट है तापक्रम घटने पर, यानी कि तापमान घट जाएगा तो ऑटोमेटिक बाष्पोत्सर्जन कम हो जाएगा, बाष्पोत्सर्जन की दर तापमान घटने पर भी नहीं बढ़ती, तो हमारा ए भी नहीं होगा। बचा हमारा डी, यानी कि आर्द्रता घटने पर, हाँ तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि जब आर्द्रता घट जाती है तो बाष्पोत्सर्जन की दर तेज़ी से होती है, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी हमारा राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलरंध्र होते हैं, कैसे होते हैं जलरंध्र, रात्रि में सदैव बंद होते हैं या फिर दिन में सदैव खुले होती हैं या फिर सदैव खुली रहते हैं या फिर डी उच्च बाष्पोत्सर्जन अवस्था में खुलते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा जो जलरंध्र होते हैं वो रात्रि में सदैव बंद रहते हैं, नहीं कभी रात्रि में बंद नहीं रहती, और जो दिन में सदैव खुले रहते हैं, हाँ दिन में तो खुली रहती हैं लेकिन साथ में वो रात में भी खुली रहती हैं, तो ये नहीं होगा हमारा, वी भी नहीं होगा, और सी हमारा सदैव खुले रहते हैं, हाँ वो दिन और रात सदैव हमेशा खुले ही रहते हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, जलरंध्र सदैव खुली रहती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाष्पोत्सर्जन द्वारा किस क्रिया में वृद्धि होती है, यानी कि कौन सी क्रिया है जिसके द्वारा जिसमें बाष्पोत्सर्जन के द्वारा वृद्धि होती है, प्रकाश संश्लेषण में, जलारोहण में, या एस्टोमेटा का खुलने में, या सभी में, तो प्रकाश संश्लेषण में बाष्पोत्सर्जन के द्वारा तो वृद्धि होगी नहीं, तो हमारा ए आंसर हो नहीं सकता, जो बी है यानी कि जलारोहण, हाँ तो हमारा बी आंसर हो सकता है। हमारा सी क्या है, एस्टोमेटा का खुलने में, तो बाष्पोत्सर्जन की तरह एस्टोमेटा का खुलने में ये भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, ये डी तो हो ही नहीं सकता, यानी कि सभी में नहीं है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, कि बाष्पोत्सर्जन द्वारा जलारोहण में सर्वाधिक वृद्धि होती है, यानी कि बाष्पोत्सर्जन जितना ज़्यादा जल पत्तियों द्वारा छोड़ा जाएगा उतना ही ज़्यादा जल अवरोहण किया यानी अवशोषण किया जाएगा जड़ों द्वारा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा बी, जलारोहण में सबसे ज़्यादा वृद्धि होती है बाष्पोत्सर्जन द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र दिन में पूरे समय खुले हुए तथा रात्रि में बंद है, निम्न में से पाए जाते हैं, कौन से ऐसा इनमें से वो ऑप्शन है जिनके रंध्र दिन में खुले हुए तथा रात्रि में बंद पाए जाते हैं, कद्दू में, अनाज में, अल्फा अल्फा या जौ में, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा कद्दू, कद्दू में तो होगा नहीं, कद्दू में नहीं हो सकता, जो अनाज है अनाज में पूरे समय, अनाज में नहीं, अनाज में दिन में कुछ समय के लिए कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, तो ये हमारा ये भी नहीं होगा अभी, जो डी है और जौ और अनाज ये एक ही हैं, इसका हमारा जौ भी नहीं हो सकता, हमारा सी यानी कि अल्फा अल्फा एक ऐसा है, अल्फा अल्फा के रंध्र दिन में पूरे समय खुले हुए रहते हैं तथा रात्रि में बंद रहते हैं, अल्फा अल्फा प्रकार के पौधों में, इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उनके दिन के समय खुले रहते हैं रंध्र और रात को बंद रहते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय पौधों की तैरने वाली पत्तियों में होती हैं रंध्र अनुपस्थित, पत्तियों की दोनों सतह पर, केवल निचली सतह पर रंध्र,
केवल ऊपरी सतह पर रंध्र। तो रंध्र अनुपस्थित यानी कि पौधों की पत्तियों पर तैरने वाली जो तैर रही हैं तो उन पर अनुपस्थित तो होंगे नहीं, उन पर रंध्र तो होंगे, अब होंगे नीचे तो होंगे नहीं, तो हमारे फर्स्ट नहीं होगा आंसर। सेकंड है पत्तियों की दोनों सतहों पर, यानी कि दोनों सतहों पर हो नहीं सकती क्योंकि एक साइड की पत्तियाँ पानी पर तैरती हैं, निचली पत्तियाँ पानी में डूबी, ऊपर की सतह पत्तियों की निकली है ऊपर वाली, तो नीचे वाली में तो होंगे नहीं, ऊपर वाली में होंगे, वो दोनों सतहों पर हो नहीं सकती तो केवल निचली सतह पर। तो निचली सतह तो हमारी पानी में डूबी तो निचली सतह में तो होंगे नहीं, तो वहाँ सी भी नहीं होगा बच्चा डी, तो उसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, केवल ऊपरी सतह पर अंदर होते हैं जलीय पौधों की तैरने वाली पत्तियों में, क्योंकि इनकी निचली सतह पानी में डूबी रहती है तो उसके उसमें होते नहीं, तो इसलिए इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, केवल ऊपरी सतह पर अंदर होते हैं जलीय पौधों की तैरने वाली पत्तियों में। तो आज का ये वीडियो हम करते हैं यही समाप्त, ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज का वीडियो हम करेंगे यहीं ख़त्म, जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहां से आपको PDF मिल जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। Peace.